हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे व्लॉग चैनल में। गाइज, आज अपन चल रहे हैं घूमने। अभी मेरे को ढंग से पता भी नहीं है जाना खाएं, बस बाइक उठानी है और चलनी है। तो अपन ने ये जो नया टॉप बॉक्स लिया है वो ये है शेड, और इसके अंदर अपना सामान सारा आ जाएगा। इसके अंदर अभी कैमरा रख देंगे, यहाँ पे ये है, और ये कुछ इस तरीके से अपन ने पूरा सामान तैयार कर लिया है। इसका कवर हटाना बहुत ही, पहनाना और हटाना दोनों मुश्किल काम है। इसको हटा के अपन पहना देते हैं स्प्लेंडर को, इसका मुंह ढक देते हैं स्प्लेंडर का। तो ये लगवाया था टॉप बॉक्स, यहाँ इसके नीचे से इसके पेच वगैरह कसे हैं, ये ऊपर शीट है कि ये इसके ऊपर लगा दिए उन्होंने, और अंदर इसमें पेच वगैरह लगे हुए हैं। तो अभी इसको अपन फिक्स करते हैं, चाबी से होगा फिक्स। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो छेद है ना, यहाँ पे जो दिखाई दे रहे हैं, ये इनको इनसे मिलाना होता है। तो इधर चाबी लगाओ, नीचे करो, और बैठ नहीं रहा। लॉक। अभी अपना सामान देख लेते हैं, सब कुछ जमा हुआ है या नहीं। खोला, एक केप रखी अपन ने, मोबाइल, पानी, ट्राइपॉड, कैमरा, सब कुछ सही है। ओके, ये बंद, ये सही काम हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, सामान की बैग भी नहीं लटकाना पड़ेगा। तो दोस्तों, करते हैं शुरू, लेके प्रभु का नाम, जय श्री गणेशाय नमः। हो जाए स्टार्ट, हो गई। तो आज पहली बार ये गाड़ी जा रही है लॉन्ग ड्राइव पे, देखते हैं कितना लॉन्ग होता है। क्या हुआ? वो ड्रोन लाना भूल गया। चल तो ले आते पास में, इधर से निकल जाएगा ये। याद आ गया यहीं पे भाई, पता नहीं यार, भाई को फ़ोन कर देता हूँ। तो यार एक पंगा हो गया, मैं निकल तो गया लॉन्ग ड्राइव के लिए, लेकिन जिस जगह पे जा रहे हैं ना, वहाँ पे थोड़े व्यू काफ़ी अच्छे होंगे, तो वहाँ पे ड्रोन ज़रूरी है यार, ड्रोन बिना मज़ा नहीं आएगा। तो अभी मैं वापस घर पे जा रहा हूँ ड्रोन को लेने के लिए। मैं नीचे हूँ, ये आ गई पागल लड़की। अबे इतना टाइम लगता है क्या तुझे? जा, भग जा, नहीं भग जा, मेरे पीछे मत आ। और क्या, एक नंबर की मस्ती बाज है सारे के सारे। मस्ते ना। इसमें भी होगा यार, आधा लीटर से तो ज्यादा ही होगा। ये सही है पागल। मस्त। अरे बंद तो किया ही नहीं, मेरे को लगा अपने आप बंद हो जाएगा। अब सही है। तू कहाँ गिर रही है? तो गाइस, ये है हमारे जयपुर की खूबसूरती, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग और सामने पहाड़ियाँ। तो गाइस, ये है पुराना जयपुर, पुराना शहर, गलताजी क्षेत्र। अभी एक बार अपन ने क्या किया था कि जयपुर के बाहर से राउंड लगाते हुए इधर आए थे, क्योंकि अंदर से आते तो बहुत टाइम लग जाता ट्रैफिक में, इसलिए पहले जयपुर के आउटसाइड होते हुए इधर अंदर आए हैं। ओल्ड सिटी है ये।
दिस इज़ ट्रांसपोर्ट नगर, बहुत ही रश एरिया है ये यहाँ का, ट्रैफिक भयंकर। अभी इधर सामने दिल्ली रोड है, पीछे अपना जयपुर है, पीछे यानी कि इधर साइड में जयपुर ही जयपुर है। श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, जय बजरंग बली। रामगढ़ जाता ना, रामगढ़, ये रामगढ़ जाएगा ना ये वाला रोड। हाँ फिर अच्छा, आगे से टर्न लेना है। उसको रास्ता पता ही नहीं है, बताया जा रहा है। भाई ध्यान रखो, रास्ता कभी भी एक व्यक्ति पे भरोसा मत करो, क्योंकि कुछ लोगों के पता नहीं होता, लेकिन वैसे ही बड़ा बनने के लिए बता देते हैं कि इधर चल जाओ उधर चल जाओ, और फिर बाद में फंस जाते हैं बेचारे अपन जैसे लोग। तो ये है गाइस रामगढ़ बांध। अरे ये बंदर तो यार अपनी गाड़ी की वाट लगा देंगे भाई, वो सीट फाड़ देंगे। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं रामगढ़ बांध पे। ये बांध ऐसा है कि ये कभी भरता नहीं है, शायद ही ये कभी राजा महाराजाओं के ज़माने में भरा होगा, उसके बाद से अभी तक ये भरा नहीं है, पूरा खाली पड़ा है। ये देखो और ये हमारे ऊपर टिड्डी है, टिड्डियों ने हमला किया हुआ है अभी राजस्थान पे। तो एक साथ पहले तो बहुत सारी टिड्डियाँ आई थी ये, लेकिन अभी क्या है कि ये टुकड़ों टुकड़ों में बट चुकी है। अभी मैं आपको बताता हूँ टिड्डियों का हाल क्या है, अच्छी तरीके से देखना। तो देखा टीडीओ ने कैसा भोकाल मचाया हुआ है यहाँ पे। ओ भाई साहब ये तो और बढ़ती जा रही है यार। अभी मैं जाता हूँ इस पेड़ पे फोटो खिंचवाने के लिए। ये हमारे मंकी बॉय अपनी फुर्ती दिखाने के लिए ज्यादा ही उत्सुक है। जूते पहन के चढ़ो या जूते खोल के? जूते पहन के चढ़ो, चाहे खोल के ऊपर चढ़ो। गिर गया तो दोस्तों मैं पेड़ के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ यहाँ पे, तो अभी राहुल भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। चढ़ भाई, मेरा तो पैंट की जीन्स ही बहुत टाइट है, इसको देखते हैं कैसे चढ़ता है। हाँ जोर लगा के ऐसा, ए शाबाश। ओ भाई चढ़िया 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 चढ़िया, बंदर ने मुत रखा इधर तो। चढ़िया लौंडा। मतलब ये देख ले कि मैं ना कितने सालों बाद आज चढ़ाऊंगा पेड़ पे आज। मतलब या तो मैं बचपन में चढ़ा था कभी पेड़ पे खेलने के लिए, या फिर आज चढ़ाऊंगा। लगभग मतलब कोई 10-15 साल हो गए होंगे पेड़ पे चढ़े हुए। 10 साल तो आराम से हो गए होंगे, जब 8वीं 10वीं क्लास में पढ़ते थे तब लास्ट बार चढ़ा था खेलने के लिए, उसके बाद से आज तक पेड़ पे नहीं चढ़ा, आज चढ़ाऊँ। मज़ा आ गया। कैसा फील हो रहा है भाई? एकदम चंगा है। मजा आ रहा है फुल, और हवा बहुत तेज चल रही है यहाँ पे, लेकिन मजा आ रहा है ऐसे, डर नहीं लग रहा कि हम गिर जाएंगे यहाँ से। सारी टिड्डी उड़ गई हवा के साथ। और अभी ना जो टिड्डियाँ थी यहाँ पे बहुत सारी, तो सब उड़ गई हवा के साथ। अभी ये पेड़ पूरा सूखा पड़ा हुआ है, ये देखो। सूखा तो क्या मतलब, ऊपर से नया फूट रहे, नए पत्ते फूट रहे, पतझड़ में पत्ते उतर गए इसके, ऐसा ही कुछ है। रामगढ़ बांध गाइस बहुत बड़ा है ये, अभी मैं यहाँ से आपको बताता हूँ, और इसके बाद में फिर अपन है ना ड्रोन शॉट भी लेते हैं यहाँ से। Thank you.
तो गाइज ये है रामगढ़ बांध, ये चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। जैसे कि मैं अगर बताना चाहूँ तो मेरे पीछे पहाड़ हैं और इधर बताऊँगा तो अभी ब्लैक ब्लैक आ जाएगा, फिर भी देख लो। ये चारों तरफ इसके पहाड़ हैं, बीच में पानी इकट्ठा होता है। अभी ड्रोन शॉट में आपने देख ही लिया होगा इसकी खूबसूरती कितना ब्यूटीफुल है। बाकी यहाँ पर अभी गाँव वाँव भी बसे हुए हैं। ये इधर बीच में बांध के बीच में भी गांव बसे हुए हैं। यहाँ पे एक्चुअली में क्या है कि पानी पहले आता था जब अच्छी बारिश होती थी, अब इस बांध में पानी ना के बराबर ही आता है, मतलब आता ही नहीं है। कभी थोड़ा बहुत आ गया तो आ गया, वरना ऐसी कभी सिचुएशन नहीं आती कि यहाँ से गांव वालों को खाली करना पड़े। अंदर बांध के अंदर ही लोग बाग खेती भी करने लगे हैं अब तो, छुप छुप के। वैसे सरकार तो अलाउ नहीं करती है लेकिन कर रहे हैं लोग खेती यहाँ पे। तो गाइज़ उधर से इधर आए थे, बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी, पानी वानी पिया और अब चल के रास्ते में जूस पियेंगे गन्ने का। बहुत ज़ोर से प्यास लग रही थी यार, इतनी तेज़ गर्मी पड़ रही है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक गर्मी। आ चुके हैं घर पर, ये अपना टॉप बॉक्स, हेलमेट, कैमरा और ये हम। तो गाइज़ अगर वीडियो आपको आज की पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना और शेयर भी करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर से दबा लेना। मिलते हैं कल अगले व्लॉग में, चलते हैं कहीं किसी नई जगह पर। तब तक के लिए बाय बाय।